सत श्री अकाल दोस्तो, तुसी वेख रहे हो पंजाब बाणी। मैं सुखदेव सिंह सुख तुहाडा स्वागत करदा। पंजाब सरकार दा वड्डा फैसला, पिछले कोरोना काल दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद भी विद्यार्थियों तो फीसां वसूलियां गईयां। इस संबंधी विद्यार्थियों अते मापियां वल्लों कई बार धरने मुजाहरे भी किए गए। पंजाब सरकार द्वारा उन्हां दीयां फीसां दी कटौती वल ध्यान ना दिंदिया होयां हुण शराब दे ठेकियां दीयां लाइसेंस फीसां मुआफ कीतियां जा रहियां ने। पंजाब सरकार दे इस फैसले संबंधी तुहानू पूरी जानकारी दिंदिया बने रहो इस वीडियो दे आखिर तक। जेकर तुसी हुण तक पंजाब बाणी चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां हुणे कर लवो। दस दईए कि पंजाब सरकार ने कोविड कारण 2021-22 माली साल च लागू किए लॉकडाउन के समय बंद रहे शराब के ठेकियां की लाइसेंस फीस मुआफ करके ठेकेदारों को राहत दी है। आबकारी विभाग वालों जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत 2021-22 आबकारी नीति च सोध नूं मंजूरी दी गई है। इस दे तहत लॉकडाउन कारण 16 दिन शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहे सन। इस म्याद च ठेकेदारों की लाइसेंस फीस पूरी तरह मुआफ की गई है। नोटिफिकेशन च किया गया है कि जदों अंशिक लॉकडाउन लगाया गया तां उस म्याद च घंटियां दे आधार ते लाइसेंस फीस च राहत दिती गई सी। इस दे तहत शहरां च 30% लाइसेंस फीस च छोट दिती गई है। देहाती खेत्रां च वख-वख राहत लाइसेंस फीस च दिती गई है। जिक्रयोग है कि पंजाब च लॉकडाउन कारण शराब दे ठेकेदारां नूं पहुंचे नुकसान दे कारण ठेकेदारां ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नूं अपील कीती सी कि उन्हां दे इस नुकसान नूं देखदे होए लाइसेंस फीसां च राहत दिती जावे। मुख्यमंत्री ने उन्हां दा मामला आबकारी कमिश्नर कोल भेजा, जिस तों बाद यह फैसला आया है कि ठेकेदारां दे लाइसेंस फीसां च मुआफ़ी दिती गई है। दोस्तों, सरकार दे इस फैसले संबंधी तुहाडे की विचार ने कमेंट करके जरूर दस्यो अते इस वीडियो नूं लाइक अते अपने दोस्तां नाल शेयर जरूर करना। रोजाना दी हर अपडेट सब तों पहलां वेखण लई हमेशा वेखदे रहो पंजाब बाणी वैब चैनल।